हाय ब्यूटीफुल एंजल्स, दिस इज मिस टैक्सी फ्रॉम मैजिक वांड्स टैरो हिंदी उर्दू। और फ्रेंड्स, ये है आपके लिए नई रीडिंग। आपके नेक्स्ट 30 डेज कैसे होने वाले हैं फॉर वाटर साइंस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज। फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो, शेयर कर लो, इंस्टाग्राम पे ज्वाइन कर लो। पर्सनल रीडिंग्स लिए विजिट आवर वेबसाइट। ये एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है रेजोनेट करे, हो सकता है ना करे। ऑल्सो फ्रेंड्स, इंग्लिश वर्जन्स भी आ रहे हैं इसी रीडिंग के, और मंथली चार्म्स पिकर कार्ड भी आ रही है। सो आप मेन चैनल चेक कर लेना उसके लिए। लिंक्स टाइम स्टैम्प्स में आप देख सकते हो। मुझे तो लग रहा है फ्रेंड्स आपका गला ज़रूर ख़राब होगा इस मंथ। सॉरी, लेकिन ऐसा लग रहा है मुझे, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे ऐसे मुझे वाइब्स आ रही हैं। सो वाटर साइंस, लेट मी जस्ट सी। इस मंथ जो है सैटर्न भी डायरेक्ट जा रहे हैं इन पाइसीज। ऑल्सो देर इज़ अ न्यू मून इन स्कॉर्पियो, जो कि आप ही के वाटर के साइन में है। सो काफ़ी इंटरेस्टिंग आपके लिए एनर्जीज रहेंगी। चलिए देखते हैं व्हाट इज़ द थीम फॉर वाटर साइंस, थीम फॉर द नेक्स्ट 30 डेज वाटर साइंस। ओह वाह, क्या बात है। ओहो, अरे वाह, बहुत ही बढ़िया, वेरी नाइस। सो फ्रेंड्स, सोलमेट कनेक्शंस, प्यार, मोहब्बत, रिलेशनशिप्स, व्हाट यू लव, व्हाट यू लाइक, बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट रहेंगी। आपकी सोल फैमिली, आपकी स्पिरिचुअल फैमिली, आपकी फैमिली, नए फ्रेंडशिप्स, नए कनेक्शंस, स्पिरिचुअल फैमिली, सोलमेट कनेक्शंस, स्पिरिचुअल रिलेशनशिप्स बहुत इंपॉर्टेंट है इस मंथ आपके लिए। फ्रेंड्स, पेज ऑफ पेंटिकल, कोई कैप्रिकॉर्न, वर्को, टॉरस पर्सन भी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। आई ऑल्सो फील फ्रेंड्स कि ये मंथ जो है आपके लिए डेफिनेटली हो सकता है कि इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट रिलेशनशिप, लेकिन कोई आपको ऐसा काम या जॉब या अपॉर्चुनिटी, आइडिया या कुछ ऐसा हॉबी मिल सकता है जो एक्चुअली आपके लिए बहुत अच्छी है, जिससे आपको पता नहीं होगा। हिडन टैलेंट्स डिस्कवर हो सकते हैं इस मंथ। कुछ ऐसा आपके साथ आपको मिल सकता है, कोई ऐसा गिफ्ट जो एक्चुअली आपकी स्पिरिट फैमिली आपको सेंड कर रही है। कोई पर्सन हो सकते हैं ये, कोई आइडिया हो सकता है, कोई हॉबी है जो आगे चल के आपकी लाइफ का करियर चेंज कर देगी। सो आई फील सोल डेस्टिनी जो है आपकी, वो बहुत एक्टिवेटेड है वाटर साइंस इस मंथ, बिकॉज सैटर्न भी जो डायरेक्ट हो रहे हैं वो पाइसीज में हो रहे हैं, आप ही के वाटर साइन में। एंड सैटर्न इज़ द प्लैनेट ऑफ कर्मा। सो आपकी सोल डेस्टिनी बहुत ज़्यादा इस टाइम हाई है। लव, प्यार, मोहब्बत, डेस्टाइन कनेक्शंस, डेस्टाइन मीटिंग्स, येस, मैरिज, लव, कॉन्ट्रैक्ट्स, ये सब बहुत इम्पॉर्टेंट है। आई ऑल्सो फील के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, अगर आप सिंगल हो तो आपकी शादी हो सकती है, या आप कोई पर्सन ऐसा मिल सकता है आपको जो कि आपको लगेगा कि यार दिस इज़ लाइक अ मैच, परफेक्ट पर्सन फॉर मी टू गेट मैरिड। अगर आप ऑलरेडी मैरिड हो तो आपकी रिलेशनशिप और डीप हो सकती है और गहरी होगी। स्टेबिलिटी है इस मंथ में, सिक्योरिटी है, एंड डेफिनेटली आपकी सोल डेस्टिनी, सोलमेट, सोल फैमिली, ये सारी चीज़ें एक्टिवेटेड हैं। सो लेट्स सी, बहुत ही इंटरेस्टिंग लग रहा है ये मंथ आपका। वाटर साइंस, द नेक्स्ट 30 डेज फॉर वाटर साइंस, नेक्स्ट 30 डेज फॉर वाटर साइंस। Okay, next 30 days, water signs. Next 30 days, water signs. नेक्स्ट 30 डेज वाटर साइंस, फोर ऑफ स्वॉर्ड्स। मुझे लग रहा है फ्रेंड्स आपके लिए जो मंथ है थोड़ा सा स्लो स्टार्ट लेगा। सो हो सकता है स्टार्टिंग में आप ऐसे फील करो कि अरे यार मज़ा नहीं आ रहा, बोर हो रहे हैं, या आप जान के कुछ ऑफ वगैरह ले लो, हॉलीडे वगैरह, लाइक 1-2 दिन। आई फील लाइक यू विल स्टार्ट द मंथ ऑन अ लेज़ी नोट, और ये अच्छी चीज़ है बिकॉज मुझे लग रहा है दैट्स अ गुड। ऑल्सो हो सकता है लेज़ी नोट पर इसलिए स्टार्ट हो रहा है कि आपकी हेल्थ थोड़ी नाजुक है, या आपको हेल्थ के लिए थोड़ा सा जैसे हल्का सा जुकाम हो गया या ऐसा कुछ, तो उसके लिए आपको रेस्ट करना पड़ रहा है। सो दैट कैन हैपन, आई एम सॉरी टू से, बट या हो सकता है ये, लेकिन आपके लिए आई फील जो रुके काम है वो ज़रूर चालू हो जाएंगे स्टार्टिंग ऑफ द मंथ में ही। सो यस, आपके करियर में आपको काफ़ी सक्सेस मिलेगा। आप काफ़ी पॉपुलर भी रहोगे अपनी क्लास में। अगर आप स्टूडेंट हो तो काफ़ी पॉपुलर हो आप। सोशल मीडिया वगैरह पे भी पॉपुलैरिटी के चांसेस लग रहे हैं, काफ़ी आपके चर्चे हो रहे हैं। ऑल्सो फ्रेंड्स, अगर आप थोड़ा सा वीक या लो एनर्जी फील कर रहे हो वाटर साइंस, तो आपको क्या करना है उसके लिए, आपको पम्प अप करने के लिए सूरज में जाना है, थोड़ा सा सन लेना है, जादू बन जाना है। सन से सब लोग चलते हैं, तो आप भी थोड़ा सा सनशाइन ले लीजिएगा इस मंथ एक्स्ट्रा। द टावर, ओ माय गॉड। सो फ्रेंड्स, स्टार्टिंग ऑफ द मंथ पे ही आपके लिए झटके आ रहे हैं। सडन सरप्राइज, सडन शॉक, सडन क्विक चेंजेस आपको मिल सकते हैं। मुझे ऐसा भी लग रहा है आप जहाँ रहते हो वहाँ अपने वेदर से थोड़ा केयरफुल रहिएगा। हो सकता है आपने कुछ प्लान कर लिया और पता चला बारिश आ गई, है ना, ऐसा भी हो सकता है। या आप कहीं जा रहे थे और तड़ातड़ बिजलियाँ कड़कने लगी, तो ये भी हो सकता है। और आप कहोगे अरे यार ये तो सीज़न ही नहीं है हमारे यहाँ, तो बिजली पानी बिजली का भी बारिश का सीज़न नहीं है। बट फ्रेंड्स, सरप्राइजिंग एलिमेंट्स आ रहे हैं आपके लिए, तो तैयार हो जाओ। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस पर्सन इंपॉर्टेंट रहेंगे। प्यार में मुझे लग रहा है आपके लिए काफ़ी कुछ हो रहा है। आपका प्यार मोहब्बत का जोन जो है इलेक्ट्रीफाइड है, वहाँ पे काफ़ी डेवलपमेंट्स हो सकते हैं, चेंजेस आ सकते हैं। कोई पुराने पर्सन आपको अचानक से मिल सकते हैं, कोई नए पार्टनर आपको अचानक से मिल सकते हैं। आई ऑल्सो फील कि कोई जॉब या अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में अचानक से आ सकती है। एंड यू विल बी लाइक ये कैसे आ गई, हमें ये कैसे मिल गया। आई ऑल्सो फील कि अगर आप कोई छोटी मोटी लॉटरी लोगे ना, तो आपका फर्स्ट जो स्टार्टिंग ऑफ द मंथ है, तो मुझे लग रहा है उसमें विनिंग के भी चांसेस हैं। बट बहुत ज़्यादा कुछ मत खरीद लेना फ्रेंड्स, बहुत ही एक्सपेंसिव चीज़ लॉटरी वगैरह में, तो ऐसा मत करना। लेकिन अगर आप कुछ थोड़ा सा कुछ शॉर्ट में करते हो ना, तो उसमें आपको रिटर्न्स मिल जाएंगे। लेट्स सी। ओके, सो काफ़ी आपको बैलेंस में रहने का मन करेगा फ्रेंड्स इस मंथ। एंड डेफिनेटली यू विल बी मैनेजिंग योर लव लाइफ एंड करियर एकदम आराम से इस मंथ। आई फील दिल और दिमाग में वाटर साइंस आप बिल्कुल बैलेंस्ड फील करोगे। आपका फोकस जो है ज़्यादातर फ्यूचर पे रहेगा, चाहे करियर हो चाहे लव लाइफ हो। आप अपने फ्यूचर को सिक्योर करना चाहते हो, आप किसी ऐसे पर्सन के साथ रहना चाहते हो कि भाई फ्यूचर सेफ रहे, आप ऐसा जॉब करना चाहते हो जिसमें ग्रोथ मिले, सक्सेस मिले। सो डेफिनेटली आप उस पर काम करोगे। पेज ऑफ कप्स, यस, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपके क्रश आपको प्रपोज कर देंगे या किसी पे आपका दिल आ जाएगा। मुझे तो लग रहा है कि आँखों ही आँखों में इशारा हो गया, बैठे बैठे दिल का ये, आई डोंट नो, आई फॉरगॉट द लिरिक्स, बैठे बैठे दिल का ये बहाना हो गया, आई डोंट नो, आई फॉरगॉट द लिरिक्स फ्रेंड्स। सो या प्यार मोहब्बत काफ़ी रोमांटिक आपकी रिलेशनशिप्स रहेंगी और स्टेबल हैं आपकी रिलेशनशिप्स में, काफ़ी एक स्टेबिलिटी है। मिड ऑफ द मंथ फ्रेंड्स, फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। इनहेरिटेंसेज हैं, प्रॉपर्टीज़ हैं, जो जॉइंट के घर होते हैं ना, फैमिली के हाउसेज, ये सब इम्पॉर्टेंट रहेंगे। आई ऑल्सो फील कि हो सकता है आपको कुछ पैसा घर के रेनोवेशन में जाए या किसी आपके पेरेंट्स के घर वगैरह को ठीक कराने में जाए। प्रॉपर्टी इश्यूज़, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। पेज ऑफ वॉन्स, या आई ऑल्सो फील कि हो सकता है आप लोग कोई नया घर वगैरह खरीदोगे या शिफ्ट करोगे। हो सकता है आप लोग रीलोकेट ही कर जाओ मिड ऑफ द मंथ टू सम न्यू सिटी, न्यू कंट्री। काफ़ी ज़्यादा एनर्जीज़ हैं। आप एरीज, लियो, सैजिटेरियस पर्सन भी इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके लिए मिड ऑफ द मंथ। एट ऑफ पेंटिकल्स, अगेन फ्रेंड्स, आप अपनी रिलेशनशिप्स में बहुत मेहनत कर रहे हो, आप अपनी वर्क और करियर में बहुत मेहनत कर रहे हो। यू आर वेरी बैलेंस्ड वाटर साइंस। इनफैक्ट मैं आपको कहती हूँ आपकी एनर्जी बिल्कुल अर्थ साइंस जैसी आई है। ऐसा लग रहा है आपकी रीडिंग देख के कि किसी अर्थ साइन की एक स्टेबल एनर्जी हो, और अर्थ साइन की रीडिंग बिल्कुल आप जैसी आई है, जैसे उनके इमोशंस ऐसे कट 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 कट। और मैं आपको बताऊँ, इससे पहले जो आपकी एनर्जीज थी काफ़ी मन से आप फायर साइन में चल रही थी। यू आर बिहेविंग एग्जैक्टली लाइक फायर साइन लोग कर रहे थे। सो वेरी इंटरेस्टिंग वाटर साइंस, आपकी एनर्जीज काफ़ी शिफ्ट हो रही है, इसका मतलब आप काफ़ी ग्रो कर रहे हो अपनी लाइफ में। सो मंथ एंड पे काफ़ी सारे लोग इम्पॉर्टेंट रहने वाले हैं। ये देखो, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस पर्सन इम्पॉर्टेंट है। आपकी मदर, आपके बॉस, आपकी सिस्टर, आपकी इन लॉज, सब इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। द किंग ऑफ पेंटिकल्स, सो एक कपल एनर्जी है, ये देखिए, किंग एंड द क्वीन। सो गेट रेडी फॉर कपल एनर्जी। हो सकता है शादी ब्याह के चांसेस लग रहे हैं मंथ एंड में। हो सकता है आपकी एनिवर्सरी वगैरह आ रही हो, तो आप उसको सेलिब्रेट करोगे। आई ऑल्सो फील के हो सकता है आपके ग्रैंड पेरेंट्स वगैरह की एनिवर्सरी है, तो यू विल सेलिब्रेट दैट ऑल्सो। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी पर्सन इंपॉर्टेंट है। आई फील फ्रेंड्स आपके रिलेशनशिप के अंदर काफ़ी लोग अफेक्ट, कम्युनिकेशंस अफेक्ट कर सकते हैं, काफ़ी लोग इनपुट दे सकते हैं आपकी रिलेशनशिप्स में इस मंथ स्पेशली। आई ऑल्सो फील कि आपके रिलेशनशिप्स में अगर आप कम्युनिकेट अच्छे से करते रहोगे तो येस आपका रिश्ता बढ़िया चलता रहेगा, दैट्स फॉर श्योर। एंड लेट्स सी ओके या ओपन अप। सो आई फील डेफिनेटली फ्रेंड्स काफ़ी सारे लोग आप डेफिनेटली या तो एक नई रिलेशनशिप या एक नई यू नो एनर्जी को अपनी लाइफ में ला रहे हो। कोई नया जॉब, नया घर हो सकता है, नई सिटी, कंट्री या कोई नई रिलेशनशिप, या रिसेंटली आपकी मैरिज हुई है तो यू आर गेटिंग यूज्ड टू दैट। टीच, येस डेफिनेटली एक स्पिरिचुअल मेंटर, स्पिरिचुअल गाइड, एक सोल फैमिली, एक सोल पार्टनर आपके लिए इम्पॉर्टेंट है इस मंथ। हो सकता है आपको कोई नया पेट वगैरह भी मिल जाए और यू नो लाइक द यूनिवर्स हैज़ योर बैक, वाटर साइंस। आई ऑल्सो फील कि कोई आपको गाइड कर रहे हैं, जैसे कोई या तो डेस्टिनी कर रही है या आपके कोई यू नो कोई नए टीचर वगैरह मिल सकते हैं, आप लोग खुद ही किसी को टीच करके गाइड करोगे। लिसन यू नो द हाई प्रीस्ट, लिसन टू योर इंट्यूशन फ्रेंड्स, आपका इंट्यूशन भी आपको गाइड कर रहा है, सो लिसन टू योर इंट्यूशन, राइट। लेट्स सी सम एडवाइस। ओह वाओ, एबंडेंस इज कमिंग, सो ढेर सारे आपके लिए पैसे और सक्सेस आ रहा है। येस, बिगिनिंग ऑफ अ न्यू साइकिल, सो आपके लिए एक नई शुरुआत हो रही है रिलेशनशिप्स में, प्यार में, करियर के अंदर। हो सकता है आप अपने करियर से नया एक कनेक्शन, इमोशनल कनेक्शन फील करोगे थ्रू ग्रैटिट्यूड, जॉय, एक्सपेंस। तो आप बहुत ही ग्रेटफुल भी महसूस करोगे, कह रहे यार लाइफ बहुत अच्छी चल रही है या मतलब ठीक चल रही है। लेट्स सी। Okay, let's see. So success मिलेगा वाटर साइंस आपको ढेर सारा। जी हाँ, कर्मा, कार्मिक एनर्जीज हैं, आपके हार्ड वर्क का सक्सेस मिलने वाला है। फैमिली की विशेस पूरी होंगी, तो कोई नया फैमिली में शादी वगैरह हो सकती है आपके भाई बहन की या आपके बच्चों की, या अगर आप बहुत ही यंग हो तो डेफिनेटली आपको कोई बहुत अच्छा कनेक्शन मिल सकता है। प्रिजर्व एंड यू विल ओवरकम प्रॉब्लम्स। वाओ, फ्रेंडशिप्स बहुत इम्पॉर्टेंट रहेंगी आपके लिए। एडवाइस फ्रॉम अ फ्रेंड, आपको कोई हेल्प भी मिलेगी। मार्च पर्सन इम्पॉर्टेंट है, कोई मार्च में बॉर्न या जो नेक्स्ट मार्च है वो इम्पॉर्टेंट है, और आपकी लाइफ में एक्साइटमेंट आ रहा है, सो वेल डन। सो फ्रेंड्स, चैनल को मैजिक वैंड्स टैरो हिंदी उर्दू को सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो, शेयर कर लो, इंस्टाग्राम पे ज्वाइन कर लो, पर्सनल रीडिंग्स के लिए विजिट आवर वेबसाइट। अभी के लिए बाय बाय।